कैसा सीढ़ियाँ हैं शोरूम की, इनकी तो मैं बजाता हूँ अच्छे से, रुको तो भैया। हाँ सर बोलिए। अरे यार आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, बस तो फिर कोई फिक्र नहीं। ए भैया सुन ले, आया आया सर, फटाफट कर लो तुम, सैलरी कट जाएगी नहीं तो। हाँ सर बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मेरे पैर दबा दो और एक लेमन जूस बोल दो। ये तो सर पे चढ़ गया। गाड़ी का शोरूम है ना, तो गाड़ी दिखाओ ना। नहीं सर, मेरा मतलब कि हैचबैक, सिडान या फिर अपनी एसयूवी देखना चाहोगे? अच्छा तो एक काम करो, एक बड़ी सी एसयूवी दिखा दो। आइए आइए सर आइए। इस गाड़ी को देखिए, इस गाड़ी का तो मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं तो दीवाना हूँ इस गाड़ी का। और इसकी सीट्स तो इतनी कंफर्टेबल है नहीं कि आपको लगेगा आपकी आप अलादीन के कारपेट पे बैठ के कहीं पे उड़ के जा रहे हो। अरे सच में। और तो और इसका इंजन इतना ज़्यादा शांत और रिफाइन है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब यहाँ पे इंजन आप चालू भी कर दोगे ना तो इसकी आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा 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 सर छोटू तो चाला ना। सर आया मैं, देखो इनको बोल रहा था इंजन आवाज़ नहीं करे। अरे सर रुके रुके सर रुके। भाइयों बहनों और मित्रों, यही सिचुएशन होती है जब कोई एक कस्टमर जाता है कार खरीदने के लिए, जो भी अभी आपने शॉर्ट स्टोरी देखी, और खासकर तब जब उसको एक एसयूवी चाहिए अंडर 20 लाख, क्योंकि ऑप्शन इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना कि क्या बताएं एसयूवी सेगमेंट में, क्योंकि अधिकतर कस्टमर को वही पसंद आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे सोल्यूशन दे दूंगा, सारे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम सारी एसयूवी को कंपेयर करेंगे। पहली द फर्स्ट इंटरनेट कार कौन सी है कमेंट करके बताओ, एमजी हेक्टर है। दूसरी लुक्स में देखने वाली डायनेमिक और फॉर्च्यूनर जैसी दिखने वाली टाटा हैरियर। उसके बाद कंपेयर करेंगे हुंडई क्रेटा, जो कि एसयूवी सेगमेंट में अलग ही नाम बना चुकी है, और एसयूवी सेगमेंट के स्टार्टिंग की कार दैट इज सो कॉल्ड एज दी महिंद्रा XUV500। और तो और जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है किया सेल्टोस। हम इन सारी गाड़ियों को अलग अलग पर्सपेक्टिव में कंपेयर करके देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस कंफर्ट और वगैरह वगैरह। तो आपको पता पड़ जाएगा कि अंडर 20 लाख सेगमेंट में आपके लिए कौन सी एसयूवी परफेक्ट है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो करें मेरे पोस्ट से अपडेट रहने के लिए, parts.sony75। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट mylakicar.in पर रजिस्टर भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में कि इन सारी गाड़ियों में से आके डिज़ाइन किसका बेस्ट है। सो डिज़ाइन के मामले में सबसे पहली चीज़ नोटिस होती है फ्रंट लुक, और फ्रंट लुक में सबसे पहली चीज़ नोटिसेबल होती है हेडलाइट्स है। सो हेडलाइट्स के मामले में हेक्टर और किया सेल्टोस सबसे आगे है, क्योंकि उन दोनों में ही हमें हेक्टर में तो हमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, और किया सेल्टोस में एलईडी हेडलैम्प्स हैं, वही सेम हेडलैम्प्स है जो कि हमें होंडा सिविक में देखने को मिले थे। तो शार्प हेडलाइट सबसे ज़्यादा किया सेल्टोस प्रोड्यूस करेगी, वही जो बाकी की बच्ची सारी कारें हैं हैरियर हुंडई क्रेटा और 500 इन तीनों में ही हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, और एलईडी लाइटनिंग केवल डीआरएल्स में ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर मैं इनके डिज़ाइन की बात करूं तो इसमें सबसे आगे रहती हैं टाटा हैरियर हेक्टर और कौन सी किया सेल्टोस, क्योंकि इनका डिज़ाइन फ्यूचरिस्टिक है और प्रीवियस किसी भी कार से मैच नहीं करता है। इसके कारण इनका जो लुक्स है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है 500 और क्रेटा के कंपेरिजन में। क्रेटा और 500 का लुक थोड़ा बोरिंग साइड चले जाता है क्योंकि उनका डिज़ाइन बहुत समय से मॉडिफाइड नहीं हुआ है। उम्मीद तो यही है कि क्रेटा जल्दी से अपना डिजाइन मॉडिफाइड कर ले, क्योंकि किया सेल्टोस और हेक्टर जैसे बहुत ही दमदार कॉम्पिटिटर आ गए मार्केट में, और 500 से भी हमें यही उम्मीद है। बट हाँ ये बात तो है कि लोगों का विश्वास बना हुआ है हुंडई क्रेटा और महिंद्रा XUV500 में, तो क्या वही विश्वास कस्टमर्स उन पे डिपेंड कर पाएंगे क्या नई कंपनीज पे, MG किया पे? क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नई कंपनी है तो एक ये भी पॉइंट सामने आता है कि हमें कितने सर्विस सेंटर्स देखने को मिलेंगे, कितनी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, क्या वो फैसिलिटीज़ जो कि पुरानी कंपनी है जैसे कि मारुति सुजुकी महिंद्रा हुंडई होंडा प्रोवाइड करते हैं ठीक वही तरीके से फैसिलिटीज़ क्या किया और MG प्रोवाइड कर पाएगी या नहीं।
सो कार में स्पेस है या नहीं ये चीज़ डिटरमाइन करती है डायमेंशंस। एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, बट हाँ लेंथ के बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि वही चीज़ डिटरमाइन करती है कि लेगरूम और हेडरूम हमें कितना देखने को मिलेगा। इसमें विनर है एम जी हेक्टेयर जिसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 4675 mm। सेकेंड नंबर पर आती है टाटा हैरियर जिसकी लेंथ है 4598 mm। थर्ड नंबर पे है महिंद्रा XUV500 जिसकी लेंथ है 4475 mm। और फोर्थ पोजीशन पे आती है किया सेल्टोस जिसकी लेंथ है 4310 mm। और आखिरी पोजीशन पे आती है हुंडई क्रेटा जिसकी लेंथ है 4298 mm। तो डेफिनेटली हेक्टेयर में आपको मोर देन सफिशेंट लेगरूम भी देखने को मिल जाएगा और हेडरूम भी देखने को मिल जाएगा। वैसे तो महिंद्रा केवल ओनली कार है, यानी कि महिंद्रा XUV500 इन सारे सेगमेंट में एक अकेले ऐसी लौती कार है जो कि 7-सीटर है, बट उसके बावजूद भी हमें हेक्टेयर में ज़्यादा स्पेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हेक्टेयर विनर है। अब गाड़ी का जो बैक व्यू होता है वो एक्चुअली सिग्नेचर लुक होता है और उससे ही गाड़ी के लुक्स डिटरमाइन भी होते हैं। सो इसकी अगर हम बात करें तो एम जी हेक्टेयर अगेन इसमें हमें काफ़ी बढ़िया डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। और अगर डिज़ाइन की बात करें तो हेक्टेयर का बैक ऑलमोस्ट बॉक्सी लुक का है, जहाँ पे हमें बड़ी बड़ी ऑडी Q3 जैसी हेडलैम्प्स टेल लैम्प्स देखने को मिलती हैं LED वर्जन के साथ। ये बढ़िया बात है क्योंकि हेक्टेयर ने बल्ब के मामले में कहीं कमी नहीं करी है, हर जगह हमें LED बल्ब्स देखने को मिलेंगे। वहीं किया सेल्टोस का भी लुक जो है वो काफ़ी डायनामिक है, जो पीछे का लुक है वो ऑलमोस्ट क्रेटा जैसा ही डिफाइन होता है। बट हाँ ये बात कहूंगा कि जो बैक है वो सबसे बढ़िया किया सेल्टोस का ही दिखता है, जो कि कॉम्पैक्ट भी है और बढ़िया लगता है। हेक्टेयर का लुक बड़े ही थोड़ा भारी साइज का लगता है, बट हाँ थोड़ा बहुत बल्की शेप दे देता है। और टाटा हैरियर का तो क्या कहना, पीछे जो है वो ऑलमोस्ट मुझे फॉर्च्यूनर जैसी दिखती है, भारी भरकम सी कार। उसके बाद हुंडई क्रेटा का तो क्या कहना, किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा के जो पीछे का लुक है वो ऑलमोस्ट सेम है और मुझे ज़्यादा बेटर भी लगा किया सेल्टोस और क्रेटा का लुक बाकी सबके कंपैरिजन में। वहीं 500 में भी हमें राउंडेड ओवल कन्वेंशनल टेल लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ LED टेल लैम्प्स तो आपको खाली किया सेल्टोस और हेक्टेयर में ही देखने को मिलेंगे। वहीं अब हम बात करें व्हील्स की या फिर रिम्स की, तो यहाँ पर हमें खाली महिंद्रा XUV500 ही ऐसी कार है जहाँ पे आपको 17 और 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, 10 स्पोक्ड डायमंड कट अलॉय व्हील्स। हाँ 17 इंचेस का तो और भी गाड़ियों में ऑप्शन है, बट हाँ 18 इंच का ऑप्शन केवल 500 में मिलेगा। और बाकी सारी गाड़ियों में हमें 16 और 17 इंच के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलेगा। आओ तो फिर झांक के देख लेते हैं कि किसका इंटीरियर प्रीमियम है। हेक्टेयर, हैरियर, 500, क्रेटा, सेल्टोस, इन सभी का जो इंटीरियर है वो रॉयल लुक का देता है और कहीं पर भी नहीं लगता है कि कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग करी है। चूंकि एक कंपैरिजन है तो किसी ना किसी का इंटीरियर और लुक्स तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। वेल जो क्रेटा है, हैरियर है, सेल्टोस है और हेक्टेयर है, इन सारों का जो इंटीरियर है वो ऑल ब्लैक मैट फिनिश लेदर पर बेस्ड है या फिर ऑल ब्लैक इंटीरियर पर बेस्ड है। कुछ लोगों को ये बेस जो है थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, तो इसके लिए 500 में इंटीरियर दो कलर पर बेस्ड है, ब्लैक प्लस क्रीम बेज कलर है। तो हाँ डेफिनेटली इंटीरियर और लुक्स के मामले में मेरे हिसाब से 500 थोड़ी ज़्यादा आगे है इन सारी कारों के कंपेरिजन में। एंटरटेनमेंट इज़ नंबर वन प्रायोरिटी, गाड़ी चला चला के थक गए हो, डेफिनेटली इंटरटेनमेंट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और इंटरटेनमेंट में सबसे पहले हमें दिखता है इन्फोटमेंट सिस्टम जो कि टन्स ऑफ फीचर्स कंटेन करता है थोड़ी थोड़ी कारों में। बात करें अगर सारे कारों की तो हैरियर, 500, क्रेटा, इन तीनों में हमें 7 inch का टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। हैरियर में जो टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम है वो डैशबोर्ड से थोड़ा ऊपर दिया है ताकि जो गाड़ी चलाते समय ड्राइवर का ध्यान ना भटके, उसको नीचे ना देखना पड़े, तो ये थोड़ी हायर फैसिलिटी है। वहीं सेल्टोस और हेक्टेयर में भी हमें कुछ इसी तरीके का टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, बट हाँ इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज मिलेगा आपको हेक्टेयर और सेल्टोस में। हेक्टेयर तो इसमें विनर है सही, क्योंकि उसमें हमें देखने को मिल जाता है 10.4 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम और सेल्टोस में मिलता है 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम। और अगर बात करें
कि इनमें हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एसी को कंट्रोल करना है तो अगेन आप डिस्प्ले से कंट्रोल कर सकते हो या फिर विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट वॉइस कमांड का यूज़ कर सकते हो, जो कि हेक्टेयर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप अपनी वॉइस से सनरूफ को खोल दो, एसी को ऑन कर दो, टेम्परेचर सेट कर दो, म्यूज़िक को ऑन कर दो, रेडियो को ऑन ऑफ कर दो। तो ये फीचर हमें किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इंडियंस के फेवरेट और चहेते फीचर की, यानी कि सनरूफ की। एसयूवी में अगर ये ना हो तो कोई भी इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। इस मामले में एमजी हेक्टेयर सबसे ऊपर है, क्योंकि सारी गाड़ियों के मुकाबले इसमें हमें पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है। एक तो इसका जो सनरूफ है वो सबसे बड़ा हमें हेक्टेयर में देखने को मिलेगा। वहीं क्रेटा 500 और सेल्टोस में हमें नॉर्मल सनरूफ देखने को मिलता है। वहीं अगर हम हैरियर की बात करें तो वहाँ पे सनरूफ ही नहीं है, तो हैरियर को इस मामले में अपग्रेडेशन करना होगा। रूमर्स आ रहे हैं कि 7-सीटर डेफिनेटली 2020 पे हमें सारी गाड़ियों का मिल जाएगा, यानी खासकर हैरियर का और हेक्टेयर का। तो हैरियर से तो हमें यही उम्मीद है कि एटलीस्ट वो हमें सनरूफ तो प्रोवाइड करवा दें। इंटीरियर में तो भाई सीट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंफर्ट के लिए। इन सारी गाड़ियों में से 500 और हैरियर इनमें विनर है, क्योंकि इसमें नापा क्वालिटी लेदर का लेदर यूज़ करा है एक्चुअली। हाँ, सेल्टोस, हेक्टेयर और क्रेटा में भी हमें बराबर कंफर्ट देखने को मिलेगा, बट कंपेरेटिवली 500 और हैरियर थोड़ी ज़्यादा आगे है, और 500 तो टॉप पे है, क्योंकि जो क्वालिटी और प्रीमियमनेस मिल रही है वो 500 में मुझे थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट 500 में एक दिक्कत भी है, क्योंकि वो एक 7-सीटर है तो उसकी सेकेंड रो फोल्ड नहीं होती है। हाँ, फ्रंट सीट उसकी 6-वे एडजस्टेबल है। सिमिलरली क्रेटा, हेक्टेयर, सेल्टोस और हैरियर में हमें 6-वे एडजस्टेबल सीट देखने को मिलेगी, पीछे वाली भी आगे वाली भी। तो आप फर्स्ट रो और सेकेंड रो को 60-40 में स्प्लिट कर सकते हो। वहीं 500 में ये कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब भाई टेक्नोलॉजी वाइज कौन सी गाड़ी बेस्ट है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बात कर लेते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा की। तो उसमें हेक्टेयर में और सेल्टोस में हमें 360 डायनेमिक कैमरा देखने को मिल जाएगा, यानी आप हर एंगल से अपने कार के व्यू को देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है रिवर्स के समय। वही हाँ, जो 500 है, क्रेटा है, हैरियर है, इन तीनों में ही हमें रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, पर 360 डायनेमिक कैमरा का तीनों में ही ऑप्शन नहीं है। उसके बावजूद जो ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी है और आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, हाँ, उन तीनों का काम यही है कि आप अपनी ऐप की मदद से इग्निशन को ऑन करना, ऑफ़ करना, रेडियो को ऑन करना, ऑफ़ करना, तो ये सारे फीचर्स हमें हेक्टेयर और सेल्टोस में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हेक्टेयर और सेल्टोस में कुछ और भी फीचर हैं, फॉर एक्सीडेंट के समय बहुत सारे फीचर्स भी दे रखे हैं, SOS इमरजेंसी कि फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी के एयरबैग्स खुल जाते हैं तो एक इमरजेंसी कॉल जाता है आपके 5 खास दोस्तों को, या फिर उसको फटाफट फोन जाता है एम्बुलेंस को, तो वो आपके लिए जल्दी से जल्दी मदद बुलाने की कोशिश करती है। वहीं 500, क्रेटा और हैरियर में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है। क्रेटा तो डेफिनेटली जब नया मॉडिफाइड इस साल जो वर्जन आएगा उसमें तो डेफिनेटली दे ही देगी। अब देख लेते हैं कि भाई इन सारी SUV में कौन बाहुबली है, यानी कि किस में सबसे ज़्यादा दम कम है। ऐसा नहीं कि भाई खाली टेक्नोलॉजी दे दी और जो इंजन है वो बहुत कम दे दिया। देख लेते हैं कि आखिर किस में कितना है दम। सो बात करें विनर की, तो यहाँ पे विनर आता है XUV500, जिसमें हमें मिलता है 2.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जो कि सबसे ज़्यादा दमदार है। सेकेंड नंबर पे है टाटा हैरियर, जिसमें हमें मिलता है 2.0 लीटर का डीजल इंजन। पेट्रोल का हैरियर में कोई भी काम नहीं है और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर चलते हैं हेक्टेयर की तरफ, तो वहाँ पे हमें मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.0 लीटर का डीजल इंजन, हेक्टेयर में भी काफ़ी ज़्यादा दमखम है। सेल्टोस की बात करें तो वहाँ पे एक्चुअली सेल्टोस और क्रेटा का यहाँ पे ड्रॉ होता है, बट क्रेटा थोड़ी ज़्यादा आगे है। सेल्टोस में हमें 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। वहीं क्रेटा में हमें 1.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है और 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन। आप हायर मॉडल की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको 1.6 लीटर का डीजल इंजन भी मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ SUV के
इसके प्रीमियमनेस और कंफर्ट के कि आपको परफॉर्मेंस वाइज किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा गाड़ी को चलाने में, तो वहाँ पे XUV500 विनर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें 2.2 लीटर का इंजन देखने को मिलता है जो कि सीसी देता है ऑलमोस्ट 1987 सीसी। टॉर्क भी इसमें सबसे ज़्यादा निकल के आता है, ऑलमोस्ट 380 Nm टू 390 Nm। वहीं सेकेंड हैरियर में हमें ऑलमोस्ट 350 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। पावर हेक्टर में भी हमें काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि हेक्टर में BHP कम होने के बावजूद भी पावर अच्छी खासी दे रखी है, तो हेक्टर में आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी खासी पावर मिल जाएगी। बट टॉर्क के मामले में हेक्टर भी पीछे है। विनर की बात करूँ ऑलमोस्ट तो XUV500 डेफिनेटली विनर है। और दूसरी बात करूँ तो एक जो प्रॉपर SUV होती है ना, जिसको आप कहीं पर भी पहाड़ों पर ऑफ रोडिंग पर ले जाओ, तो वो चीज़ आपको केवल XUV500 में देखने को मिलेगी। रीज़न, वहाँ पे हमें 4-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, वहीं ये जो सारी SUV हैं वो केवल 2-व्हील ड्राइव के साथ ही आती हैं। तो 4-व्हील ड्राइव आपको एक इनहांस एक्सपीरियंस देगा और एक बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको XUV500 चला के। अदरवाइज हेक्टर और टाटा हैरियर में भी बड़ा शानदार परफॉर्मेंस मिलेगा। डिस्कस कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ऑफ रोडिंग में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, गैस करो, ग्राउंड क्लियरेंस है डेफिनेटली। यहाँ पे तो विनर है हुंडई क्रेटा। वाह, हुंडई क्रेटा में हमें ऑलमोस्ट 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं सेकंड पोजीशन गेन करी है हैरियर और 500 ने, जहाँ पे हमें मिल जाता है ऑलमोस्ट 200-200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और लास्ट में आती है हेक्टर, जहाँ पे हमें मिलता है 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। किया सेल्टोस का ग्राउंड क्लियरेंस अभी कंपनी ने रिवील ही नहीं करा है। Now time to talk about फ्यूल एफिशिएंसी। इसमें भी क्रेटा को कोई नहीं हरा सकता, जो कि दावा करती है कि इसमें हमें देखने को मिलेगा 14-22 kmpl का एवरेज है। वहीं हैरियर में हमें मिलेगा 17 kmpl की फ्यूल इकोनॉमी। फिर हेक्टर भी अगेन विनर है, जो कि तीसरे नंबर पे आ जाती है, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 14-18 kmpl का एवरेज है। और आखिर में आती है XUV500, जहाँ पे हमें केवल 13-16 kmpl का एवरेज ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लुक से ही मतलब है कि खाली गाड़ी का लुक्स SUV जैसा होना चाहिए, थोड़ी बहुत दमदार भी हो, कंपेटिबल भी हो, तो क्रेटा अगेन आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। वहीं अगर आपको टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए, थोड़ा बहुत कन्वीनियंस ज़्यादा चाहिए, तो हेक्टर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको पावर चाहिए और प्रॉपर SUV वाली फीलिंग चाहिए कि नहीं आप तो उसको हर रोड पे ले जाओ, स्नो हुआ, डेजर्ट हुआ, तो हैरियर और 500 आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और किया सेल्टोस तो दोनों काम के लिए है, यानी कि आप अगर आपका अगेन मेन मोटो डिज़ाइन को लेकर ही है कि आपको एक अच्छे डिज़ाइन वाली कार चाहिए जो कि SUV होना चाहिए अंडर 20 lakh, तो किया सेल्टोस आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की, कि कौन सी कार सबसे ज़्यादा सेफ है। इस मामले में 500 और हैरियर थोड़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि उसमें हमें टन्स ऑफ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। 500 में ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, EBD, हिल असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और क्यों ना मिले, 4-व्हील ड्राइव आके रहा। वहीं हैरियर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाएगा, और वहाँ पे एक स्पेशल फीचर भी है, ड्राइव टेराइन मोटर। अगर आप गाड़ी जो है स्नो वाली रोड पे चला रहे हो, तो आप उसको टेराइन मोड सेट करके वहाँ पे सेट कर सकते हो। डेजर्ट में चला रहे हो तो वहाँ पे सेट कर सकते हो। और अगर रोड पे चला रहे हो या फिर हाईवे पे चला रहे हो, तो आप उसको कन्वीनियंस के हिसाब से वहाँ पे भी सेट कर सकते हो। और अगेन वहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, स्पोर्ट मोड, इकोनॉमी मोड और नॉर्मल मोड। अगर आपको गाड़ी को रेव करना है एक पर्टिकुलरली स्पीड पे, पिकअप चाहिए गाड़ी से, तो आप उसको स्पोर्ट मोड पे डाल सकते हो। नॉर्मल मोड जो हम रिसेंटली चलाते हैं, और इकोनॉमी मोड आप ऑफिस से थके आ रहे हो और आपको जो है प्रॉपर फ्यूल इकोनॉमी चाहिए गाड़ी से, तो वहाँ पे हमें 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं और सारी गाड़ियों में, यानी हेक्टर, सेल्टोस और क्रेटा में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। हाँ, वहाँ पे भी हमें प्रॉपर जो है ब्रेकिंग इंट्रेक्शन फीचर्स मिल जाएंगे, बट इतने ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद हमें 2 एयरबैग्स तो एटलीस्ट सारी गाड़ियों में देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप टॉप मॉडल पे जाते हो, तो हमें 6 एयरबैग्स और 5 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं हर किसी गाड़ी में। चलो तो भाई, वीडियो संपन्न हुआ, अब लाइए दक्षिणा। अरे भाई, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए यार। इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताए, और मैं जहाँ तक बता सकता था इन गाड़ियों के कंपैरिजन, हर एक पर्सपेक्टिव मैंने कंपेयर करा।
इन द फॉर्म ऑफ इंजन, परफॉर्मेंस, कंफर्ट, कन्वीनियंस और क्या क्या नहीं। अब इस बात पे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बनता ही है। और एक बार मैं कहता हूँ कि अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं मुझे तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, तो मेरी वेबसाइट पे विजिट करो यार, mylakhicar.in। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।